हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मास्क मैन। मैं आज आपको बताऊंगा कि एंड्रॉयड में जो पेड एप्लीकेशन होती हैं उनको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का ब्राउज़र ओपन करना होगा। तो वहां पे आपको लिखना होगा डाउनलोड ब्लैक मार्ट। और यहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। मैंने इसको इंस्टॉल भी पहले से किया हुआ है तो इसको इंस्टॉल करने में कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं सीधे आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा कि एंड्रॉयड में पेड एप्लीकेशन कौन सी है जिसको मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले हम चलते हैं प्ले स्टोर में। तो प्ले स्मार्ट लॉन्चर प्रो 3, तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस है 100 रुपीज़। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है इसका 100 रुपीज़ प्राइस है, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में तो। लेकिन मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके दिखाऊंगा। हम चलते हैं ब्लैक मार्ट अल्फ़ा की तरफ। हमने ब्लैक मार्ट अल्फ़ा ऑन किया तो फ्रेंड, जस्ट हमने यहाँ पे ऊपर सर्च का ऑप्शन में था, हमने ऑप्शन में लिखा स्मार्ट लॉन्चर प्रो 3। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि स्मार्ट लॉन्चर प्रो 3, तो इसका इन्होंने प्राइस दिया हुआ है, लेकिन आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर सीधे क्लिक करें और यहाँ पे इंस्टॉल का आपको बटन दिखेगा, आप सीधे इसको इंस्टॉल करें। तो पहले तो ये डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने में 1-2 मिनट लगेंगे, वो आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। जब एक बार डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसको इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में। जैसे कि ये डाउनलोड हो चुका है तो हम इसको डन करते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्लैक की एंड्रॉयड मार्केट में जैसे हम गए प्ले स्टोर में, तो ये पहले एप्लीकेशन 100 रुपीज़ की थी, स्मार्ट लॉन्चर प्रो 3। तो अभी भी यहाँ पे दिखा रहा है कि 100 रुपीज़ प्राइस है, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि आप के फ़ोन में पहले से डाउनलोड है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ओपन पर क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, जैसे कि ओपन हो चुका है। आप इसमें अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं और होम बटन प्रेस करने के बाद अपने डिफ़ॉल्ट लॉन्चर पे आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप नीचे मुझे कमेंट में बताएं, और मेरे 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।